हमारे बीच तलाक नहीं हुई है, हमारे बीच तलाक की बिद्दत यानी कि तीन तलाक हो ही नहीं सकती। अम्मा कबीर अभी भी हमारा शौहर है। काजी साहब क्या लिखा है इसमें? जारा जो कह रही है वो ठीक कह रही है क्या? इस निकाहनामे में लिखा है कि अगर कबीर और जारा के बीच में कभी तलाक होती है तो वो तलाक की बिद्दत नहीं तलाक हसन होगी। ये तलाक हसन क्या होता है बेटा? वो तलाक जो एक बार में नहीं दी जा सकती। हर तलाक के ऐलान के बीच में कम से कम 30 दिन का वक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये तलाक नहीं हुई है? एक तलाक हो चुकी है, दो अभी बाकी हैं। ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ दूसरा मौका है तुझे, जो भी बिगड़ा है ना सुधार ले बेटा इसे, और जैसा हम कहते हैं ना वैसा ही कर। हम ना तेरे और कबीर के बीच सब ठीक कर देंगे सब। नहीं अम्मा, ये हमारा और कबीर का रिश्ता है। इस रिश्ते को बिगाड़ा भी हम दोनों ने है तो ठीक भी हम दोनों ही करेंगे। लेकिन तू अब क्या करने वाली है? वो ही जो हमें करना चाहिए। ये जारा ने हमारे जैकेट कहां रख दिए? किसने कहा कि इतने संभाल कर रखो कि हमें खुद ना मिले? समझ गए हम, जानबूझकर किया होगा जारा ने ये सब। कबीर ब्रेकफास्ट। क्या है ये सब? अपने कपड़े कोई ऐसे रखता है क्या? नहीं भाभी, हम जानते। लगता है तुम्हारे लिए दूसरी बीवी जल्द ढूंढनी पड़ेगी। फिक्र मत करो, इस बार हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ के लाएंगे, ना जिसे मुल्क की परवाह होगी ना दुनिया की। परवाह होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, लेकिन आप हमारी फिक्र ना करिए, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। भाई ये रहे आपके कपड़े। ये तुम्हें कहाँ मिला? वो जब सारा भाभी यहाँ आई थी ना तो उन्होंने धुलने के लिए दिए थे। अलीना ब्रेकफास्ट रेडी है ना? हाँ। तो जाके सबको बुलाते हैं। चल कबीर। जी भाभी। नाश्ता यहाँ भिजवा दूँ या बाहर आके करोगे? हम आते हैं। चल नाश्ता कहाँ लेके जा रहे हो कबीर? भाभी अब से हम कमरे में ही नाश्ता करेंगे। वैसे अम्मी कहाँ है? अब तुमने सदमा ही इतना बड़ा उन्हें दिया है, नाश्ता करना तो दो, अपने कमरे से बाहर आने तक को राजी नहीं है। अम्मी ने तो कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। ले दो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हारा घर है, जहां मर्जी आओ जाओ। हमें इस बात की खबर आई है अम्मी के आपने खाना नहीं खाया, वो भी कल रात से। आप हमसे नाराज हैं। अम्मी आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अम्मी हमने कोई गलती नहीं की, हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। ठीक कह रहे हो बेटा, तुमसे गलती थोड़ी ना हुई, तुमसे तो गुनाह हुआ। एक सोचा समझा गुनाह जिसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती।
हम तो उस दिन को कोसते, ना हम जारा के घर जाते, ना तुम वहां। नहीं नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आप अपने आप को गुनहगार ठहरा नहीं सकती है। अम्मी, हमने जो फैसला लिया था आपके जारा के घर जाने से काफी पहले तय कर लिया था। जारा और हमारे बीच ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक जैसी नहीं है। अम्मी, जारा और हम दोस्त नहीं, कॉम्पिटिटर। हर मोड़ पे एक दूसरे के खिलाफ रहते। अभी आप ही बताइए, इस हाल में शोहर और बीवी कब तक हम बने रहते? आज नहीं तो कल, ये होना ही था। अम्मी, कभी भाई। अलीना की आवाज है। अम्मी, यहाँ क्या कर रही हो जारा? कबीर तो तुम्हें तलाक दे चुका है ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो हम तुम्हें याद दिला दें। तलाक देने के बाद 3 महीना 10 दिन की इद्दत होती है। तुम्हें तो अपने अब्बू के घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहिए था और तुम यहाँ आ गई। मजहब अजहब मानना सब बंद कर दिया है क्या तुमने, है ना? बिल्कुल सही है। इस्लाम के मुताबिक कोई भी मुसलमान औरत जो बेवा हो या जिसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया, उसे इद्दत गुजारनी होती है। जैसे कि जीनत ने अभी कहा, 3 महीने 10 दिन उसे उसी जगह पर रहना होता है जहां उसे तलाक दिया गया। बगैर किसी भारी मुसीबत मजबूरी के वो वहां से नहीं बाहर जा सकती। तुम्हें तलाक तुम्हारे अब्बा के घर दिया गया, सही यही होगा कि तुम वहीं पर हो जाओ। ना तो हम मजहब भूले हैं और ना ही हम इद्दत के मतलब से अनजान हैं। लेकिन अब्बू, इद्दत तो तब होती है ना जब तलाक होती है। मतलब ये कि कबीर अभी भी हमारे शौहर हैं और हम अभी भी उनकी बीवी। हमारे बीच तलाक हुई ही नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम जारा? तलाक हमने तुम्हें खुद दिया था और हमारे गवाह हमारी अम्मी और तुम्हारे अम्मा अब्बा। कबीर बस, और कितना गिरोगी? कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तुम्हारी कोई चाल नहीं चल पा रही हो तो झूठ बोलने पे उतर आई। शर्म करो। अम्मी, आप क्यों चुप खड़ी हैं? आप क्यों नहीं कुछ बोलती, बोलिए। हाँ बेटा, ना चाहते हुए भी हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि कबीर ने हमारे सामने तुम्हें 3 बार तलाक कहा। हालांकि कबीर को हमें 3 तलाक नहीं देना चाहिए था, हमारे निकाह की शर्त थी कि कबीर हमें 3 तलाक नहीं देगा। एक मिनट, तुम्हें याद है ना, खुदा ना करे अगर हमारे बीच कभी तलाक की नौबत आती है तो वो तलाक की बिद्दत नहीं होगी। इसलिए हम अभी भी तुम्हारी बीवी हैं और तुम हमारे शौहर। ना तो हम शरिया बोल गए, न
ना ही कोर्ट के पास और ना ही प्रेस के पास, हम सीधा यहाँ हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? क्या हमें यहाँ रहने की इजाजत है? ठीक है जारा, तुम यहाँ इस घर में रह सकती हो। पर रब्बू आप, वहां कहां जा रही हो? अपने बेडरूम में भाभी। इतनी नफरत की हमारे निशान मिटा दे कभी? हम अपने निशान मिटने नहीं देंगे। लेकिन तुम्हारा प्यार हमारा हक है कभी, आज नहीं तो कल हम तुम्हारा प्यार वापस जीत के रहेंगे। हम जानते हैं कि अल्लाह पाक हमारा इम्तिहान ले रहे हैं और हम इस प्यार के इम्तिहान में पास होके दिखाएंगे। कबीर सिर्फ और सिर्फ हमारा, सिर्फ हमारा। बेगम, बना क्या रही हैं? खुशबू बाहर तक आ रही थी। जारा की मनपसंद दम बिरयानी, उसके लिए बना रहे हैं। देखिए, इस बिरयानी तो ठीक है, मगर हमारी राय माने तो इससे आगे आप ना ही बढ़े तो बेहतर है। मतलब ये बेगम कि कबीर और जारा का जो रिश्ता है वो एक नाजुक मोड़ पर है, और हमारे ख्याल से हम दोनों को इसमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। जो भी मसला है उन दोनों को खुद सुलझाना चाहिए। लेकिन हम उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते, हमारी भी कोई जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां हैं तभी तो कह रहे हैं। और जहां तक हम देख सकते हैं, जब कबीर खुद जारा को अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता है तो आप खामखा उस पर दबाव क्यों डाल रही हैं? हम दोनों को आबाद देखना चाहते हैं, एक साथ खुश देखना चाहते। बेटे के मुकाबले बहू का साथ देना हमें सही नहीं लगता है बेगम। और ये बात कबीर को भी गलत लग रही है। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इसी मुद्दे को लेकर आपका बेटा ये घर छोड़कर चला जाएगा। तब क्या करेंगे आप? मगर सारा, अब कुछ अगर मगर नहीं बेगम। बहू के लिए हम बेटे को थोड़ी खो सकते, इसलिए जंग जो है वो जारा को खुद लड़नी पड़ेगी। इसलिए आपकी ये बिरयानी जारा के लिए आपके हाथ का पाक और आखिरी खाना होना चाहिए। देखो कबीर, जिंदगी बड़ी मुश्किल से किसी को दूसरा मौका देती। इमरान, तुम्हें दिया है और हम चाहते हैं कि तुम सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जारा के साथ अपनी जिंदगी शुरू करो। हाँ कबीर, क्या पता ये खुदा का कोई इशारा हो, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में तो प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन तलाक तो नहीं होता ना।
सॉरी कबीर, प्लीज मुझे मुझ पे गुस्सा मत करना, प्लीज गुस्सा मत करना, आज दिन बहुत खराब चल रहा है, सॉरी। हो गया? हो गया। वैसे रीमा और इमरान, तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी इजाजत हमें मजहब नहीं देता। और इमरान तुम क्या कह रहे थे? दूसरा मौका। तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, ये बात जाके जारा को समझा कि जिंदगी ने उसे एक नहीं कई बार मौके दिए और उसने क्या किया, हर बार की तरह मौका गवा दिया। बताओ जारा को, हम आते हैं। लगता है बात बहुत बिगड़ चुकी है रीमा। हाँ। भाभी रहने दो जारा, ये काम घर की बहू बेटी या फिर नौकर करते हैं और बदकिस्मती से तुम इनमें से किसी भी दर्जे में नहीं आती हो। भाभी शायद आपने सुना नहीं, हम अभी भी कबीर की बीवी हैं और इस घर की बहू भी। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से सुना भी और जो कुछ भी हुआ उसे अच्छे से देखा भी। कागज पे लिखे हुए अल्फाज सच्चाई को नहीं बदल देते सारा। जब तक कबीर हमें नहीं बताता कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारे लिए तुम तलाकशुदा ही रहोगी। और हाँ, इस घर की बहू हम हैं, हमें हमारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। कबीर खाना लग गया है, आ जाओ। नहीं, भूख नहीं हमें। हम अभी है। कबीर खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। कबीर खान, क्यों कर रही हो ये तमाशा तुम? जब हम तुमसे कह चुके कि हम तुम्हें नहीं देखना चाहते तो क्यों कर रही हो ये सब? अब जवाब नहीं। क्योंकि ये हमारी जिंदगी भी है कबीर, और हम तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। भूख नहीं हमें। से कबीर बेहतर होगा कि तुम खाना खा लो। एक बात बताएं, तलाक ए बिद्दत हमारे मुल्क में बैन है, हम चाहें तो तुम पर केस कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, हम तो भूल ही गए, हमारे मुल्क में तलाक ए बिद्दत तो गैर कानूनी है। और जैसे तुमने कहा था, ये इस निकाहनामा के हिसाब से तो हमें तलाक की बिद्दत नहीं करनी चाहिए थी, मगर गलती हो गई हमसे। मगर जारा, तलाक देना तो गलत नहीं है, तलाक की बिद्दत ना सही, तलाक हसन ही सही।
वो तलाक जो हमारे मजहब और तुम्हारी ये सोच के मुताबिक सही है, उसके लिए तो मनाही नहीं है ना इसमें। एक तलाक हम दे चुके, बाकी दो के लिए इंतजार करो, वो भी सही वक्त पे आ जाएंगे।